गर्व कैसा गया पेपर? हाँ ठीक था। आज मुंह क्यों उतर रहा है? कुछ नहीं, जोनी की याद आ रही है? हैं? नीचे खाली दिखा, अशु को भी याद आ रही थी जोनी की। ठीक गया पेपर? अच्छा नहीं गया? अच्छा गया है। चल ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, मैं फिर खाना डालती हूँ। ये क्या लेके आया? अरे ऐसे मौसम में ये चीजें क्यों पीता है, बीमार हो जाएगा। ये हो गया बेटे का लंच तैयार। आके स्कूल से दूध चाहिए होता है और मैं इसमें दाल डालूंगी, ये मेरा है, तो चलते हैं। लीजिए हमारा खाना भी हो गया तैयार और बेटे का भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। काम सारा खत्म कर दिया, अब जा रहे हैं घूमने के लिए। बहुत दिन हो गए घर का रेगुलर काम करते करते बोर हो गए थे, सोचा कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए, तो अब चलते हैं वॉक पे। यहीं से स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग, देखते हैं। ये आ गए हम घूमने के लिए और ये देखिए हमारी घूमने की जगह। पार्क तो कोई है नहीं, सेल्फी में आ जाते हैं। दोनों साइड से ऐसे ही है, ये फ्रंट साइड देख सकते हैं आप। ये देखिए जी, हम आ गए हैं घूमने के लिए। कुछ वक्त कहते हैं अपने साथ गुजारना चाहिए, तो वही वक्त निकाल के हम अपने लिए आ गए हैं घूमने के लिए। और ये है सैनी फार्म का, क्योंकि यहाँ कोई भी पार्क नहीं है तो हम यहीं घूमते हैं। मोस्टली सब यहीं घूम रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ना कई बार सच में ट्रैफिक को देख के मन नहीं करता घूमने का। सिंपल पार्क और ट्रैफिक नहीं होता, इंसान चलता चला जाए। कभी आगे से हॉर्न बज रहा है, कभी पीछे से बज रहा है, बाइक का ट्रैफिक है, पर चलो। मोर की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, थोड़ी सी हरियाली है। नीचे मेरा थोड़ा सा ध्यान है, निम्बोली गिरी हुई है, अगर पैर स्लिप हो गया तो मैं गिर जाऊँगी, इसलिए मैं नीचे देख रही थी। तो ये देखिए मोस्टली लेडीज़ यहाँ घूमने आती हैं, तो एक अच्छा खासा लंबा राउंड हमने काट लिया है, बचा हुआ अच्छा सा काटेंगे। आगे राम मंदिर है, उसके दर्शन करेंगे, मथा टेकेंगे और फिर वहाँ से वापस हो लेंगे। तो दिखाते हैं आपको राम मंदिर। ये देखिए सामने है राम मंदिर, यहाँ तक हमने राउंड काटा है, यहाँ मथा टेकेंगे और वापस जाएंगे। तो आपको अभी और पास से दिखाते हैं। ये है राम मंदिर, अंदर मैं जाऊँगी नहीं, शूज़ पहन रखे हैं। और एक दो चक्कर इसी गली में काटेंगे क्योंकि यहीं ट्रैफिक नहीं है, बाकी हर जगह है। तो चलिए एक दो चक्कर काटते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। हम कर रहे हैं वॉक, कोई नहीं है यहाँ पर, दूर दो लेडीज हैं और आगे से पीछे तक बिल्कुल खाली है, पेड़ों की हरियाली है। मन इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, ट्रैफिक की वजह से बिल्कुल मन नहीं करता आने के लिए, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अब ये देखिए ऐसा कर रहे हैं जी, 10 मिनट यही कुर्सी घाल कर जब बैठ जाओ। तो जिनके पास हरियाली है, पार्क है, प्लीज़ अपने पार्क को एंजॉय करें। हमारे पास नहीं है तो हमें उसकी वैल्यू का पता है और हर जगह पार्क होना चाहिए। और सुबह कोशिश किया करूँगी, सुबह ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है, इस टाइम ट्रैफिक होता है। अगर सुबह आऊँगी ना तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मुझे बहुत मेन परेशानी ट्रैफिक होती है, वो है मेन रोड, आपको दूर दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ पर इतना ज़्यादा है, चिड़िया बोल रही है और मोर कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है। आज मैं बहुत दिनों बाद बाहर निकली सच्ची। नॉर्मली है ना, देखें मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ अपने घर का, किचन का, हर चीज़ को लेकर, पर मुझे लगता है वही डेली रूटीन में करने वाला भी बोर हो जाता है और देखने वाला भी, और ख़ासकर करने वाला, क्योंकि वही डेली रूटीन है और हम भी अपने काम से बोर हो जाते हैं। तो कुछ वक्त अपने साथ निकालें, आधा घंटा अपने आप को दें, रिलैक्स हों, अपने टाइम को इन्जॉय करें। तो चलिए मैं भी अपने टाइम को चिड़िया और तोते मोर की आवाज़ को एंजॉय करती हूँ। इतना सुहाना मौसम है, इतनी हरियाली है और आपको आगे भी दिखाऊंगी। ये देखिए आराम से घूमते हुए मौसम का मज़ा लेते हुए हम चल दिए घर की तरफ वापस। पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो कि चिड़िया और मोर इतने अच्छे बोल रहे थे, पेड़ पे नई कोपल आई थी, वो हरे हरे पत्ते इतने अच्छे लग रहे थे। मौसम वाकई में बहुत अच्छा था, घूम के मज़ा आ गया, इतना अच्छा था। एंजॉय कीजिए आप भी मेरे साथ इस हरियाली को। और इतना एंजॉय करने के बाद हम वापस ट्रैफिक में पहुंच गए। ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक एंड शोर, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ निकल के अपने घर पहुंचे।
मैं आ गई घूम के वापस। जाने से पहले बना गई थी कढ़ी प्याज के पकोड़े के साथ, मस्त आटा वाटा गूंद के अपना काम खत्म करके गई थी, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं आराम से टहल के आए, आते वक्त लेके आई नींबू और बनाती हूँ नींबू पानी अपने लिए। घर आने के बाद मैं लेके आई थी नींबू, अपने लिए बनाया नींबू पानी। नींबू पानी में सिर्फ ये था कि मैंने पानी लिया, नींबू लिया और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला, शुगर नहीं डाला क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, कुछ ठंडा ठंडा चाहिए था। अच्छा चिल्ड सा एक नींबू पानी बना लिया, थोड़ा अपने आप को टाइम देंगे, रिलैक्स होंगे, उसके बाद किचन के काम में लगेंगे। मुझे नमक वाला ही नींबू का पानी बहुत अच्छा लगता है और मेरा बेटा भी पी लेता, हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बन गया था फर्स्ट क्लास, इंजॉय करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, हालत ख़राब हो रखी है, बना लिया नींबू पानी, आराम से पीऊँगी, रेस्ट करूँगी, 10 मिनट बैठूँगी, फिर जाके किचन में काम करूँगी अपना लगूँ काम के लिए, नहीं तो मैं फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और चीज़ के लिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, शाम को जैसे अभी मैं रास्ते से आ रही थी तो एक बेचारा अंधा बैठा हुआ था, और मैंने कभी है ना ऐसा किया था, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने एक की मदद की लेकिन मैं पूरी मदद नहीं कर पाई, वजह कुछ थी जो मैं पूरी मदद नहीं, और मुझे इस चीज़ का अफसोस रहा है। उस दिन मैंने कान पकड़े थे, अगर कोई मदद के लिए बैठा तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर करो। मैं शॉप पे गई, उसके लिए सामान खरीदा, वापस गई उसके पास, उसको सामान दिया, उसके मुंह पे जो स्माइल थी ना वो आप सोच भी नहीं सकते, मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जो मैंने मदद की मेरे लिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उन छोटी मोटी चीज़ों से, लेकिन उसके लिए वो बहुत मायने रखती थी, तो उसकी मदद की मुझे इतना अच्छा लगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नींबू पानी, अपना रेस्ट और फिर बात का काम। रवि बेटा खाना बन गया, ले जा। आया कुछ सब्जी क्या कड़ी बनाई आज प्याज के पकौड़े के साथ, तेरे लिए स्पेशल। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, ये मेरे हाथ में S पेन, यानी कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ S24 अल्ट्रा से, देख सकते हैं आप। ये मेरी बुआ जी, बुआ जी आपका फोन है, आपको कैसा लग रहा है? मम्मी आपकी क्या फीलिंग है फोन देख के? बढ़िया। मस्त। क्या खा रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खाना। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। अब चलते हैं बाहर। यही मेरी दादी, ये मेरे दादा, चलिए आगे। ये मेरी मम्मी की रिंग लाइट, और ये गाइस आप देख सकते हैं मेरी बहन ऐसे पड़ी रहती है, कुछ काम है नहीं से। अब चलते हैं दोबारा वहाँ पे। हेलो यो, कैसे आप सभी लोग? अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं कहना चाहूँगा मेरे ब्लॉग में बने रहिए। रात के बज गए हैं 10:30, काम सारा हो गया है, अब बेटी का होमवर्क करवाऊंगी थोड़ा सा और उसको पढ़ाऊंगी। बेटा सो गया, उसे पढ़ा दिया है, उसका कुछ हिंदी का होमवर्क है वो करवाऊंगी। ये था मेरे पूरे दिन का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।